वेलकम टू मॉम्स लवेबल कैन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं चीला। चीला बनाने के लिए हम लोगों ने ले रखे हैं यहाँ पे धनिया, प्याज, मिर्ची, टमाटर और बेसन। अब हम इस बेसन में ऐड करेंगे नमक। आप जितना चाहें आप उतना ऐड कर सकते हैं, ये आपके स्वाद अनुसार है। और इसमें हम लाल मिर्ची ऐड करेंगे। अगर आप लाल मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, प्याज और मिर्ची। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। अब हम इसे लगातार फेंटते रहेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। अब हमारा ये बैटर रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग, एक चुटकी हींग। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स हो जाने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए इसको ढक के रेस्ट करने देंगे। बैटर तैयार है। अगर आपको यह बैटर इससे थोड़ा गाढ़ा लग रहा हो तो आप चाहे तो उसमें पानी और ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको सेकेंगे। अब हम सेकने के पहले इस तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर उस पर हम अपना ये बैटर डालेंगे। इसे फैला लेना है पूरे में हमको। अब हम इसे मध्यम आंच पर सिकने देंगे। अब हमारा चीला सिक के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे पलट देंगे। हमें इस साइड को भी मध्यम आंच पे ही अच्छे से सेक लेना है। तो अब हमारे चीला सेक के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे अलग से निकाल लेंगे। इसके तैयार है। हमने इसे चटनी के साथ सर्व किया है। आप जो चाहे उस चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको लहसुन की चटनी का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।